हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और आज हम फिर निकल पड़े हैं सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। बेबू है साथ में, स्वाति दी है साथ में और है केका। केका सामने बैठी हुई है और मैं आप सबके लिए बो। तो आइए चलिए हमारे साथ। ये है पीछे आंटी लाइन। और अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन के आधे रास्ते तक। यहाँ से हमें बाई बोट्स जाना है। चलिए हमारे साथ। ये है ताज होटल, ये नया वाला ताज है। ये है समंदर और दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया। सुबह का सूरज। और एक ये बोट जा रही है और हम जाएंगे इसमें। हम बैठ चुके हैं। कैसा लग रहा है दी? कैसा लग रहा है बेबू? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बोट चालू हो रही है। टाइम फॉर सम ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट साफ कर रही है मेरी केकू। मुझे नहीं देगा दी? तुम्हें भी नहीं देगा?
आइसक्रीम कॉलर, जलेबी है, जलेबी। ये मैं केला खाऊंगी। एलिफेंट आ चुका है और अब हमें एक एक करके नीचे जाना है। इधर जाना स्टार्ट भी हो गया नीचे। एलिफेंट आ चुका है, ये है एंट्रेंस एलिफेंट का, ये है वो। सीट बुक कर लिया है टॉय ट्रेन का और ये बैठ गई बेबू। और अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुका है, हम जा रहे हैं एलिफेंट टाउन। ये गेट एलिफेंट केव की। अंदर आने के लिए 40 रुपीज का टिकट है। एलिफेंटा में एक बहुत बड़ा केव है जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं और एक शिवलिंग है। ये केव असल में एक मंदिर है और बहुत ही सुंदर है अंदर से, और इसकी हिस्ट्री अगर आप जानेंगे ना तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब आप वहाँ जाए तो टूर गाइड ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको जितने अच्छे से और हिस्ट्री समझाएंगे आपको किसी भी बुक या वेबसाइट पर वैसा नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ गो देयर एंड सपोर्ट देम, क्योंकि उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और केव में वीडियोज़ अलाउड नहीं है, सो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिया है। रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी ऊपर बहुत चढ़ना पड़ेगा हमें, तो हम पी रहे ये नींबू पानी और कीकू पिएगी अभी चाय। और ये है बेबू, और वो बैठी हुई है थकी हुई,
स्वाति दी, हम में से कोई भी नहीं थका, हम अभी ऊपर चढ़ेंगे। बिल्कुल भी शुगर नहीं है। What a beautiful place. दूर समुंदर दिख रहा है और ये है रोड। वापस जा रहे हैं मुंबई। हम बस पहुंचने वाले हैं। ओपन बस और मुंबई दर्शन, वेरी नाइस। मुंबई मेरी जान। ये बस आप चाहे तो आकर इस बस से भी देख सकते हैं आसपास। अभी हम जा रहे हैं मेरिन ड्राइव से, पीछे देखो ढलता हुआ सूरज, और ये जो आप दूर दिख नहीं रहा है टैक्सी के अंदर से, यहाँ पे जो लाइट आते हैं रात को जो जलते हैं तो क्वींस नेकलेस जैसा वो दिखता है, इसीलिए इस पॉइंट को क्वीन नेकलेस पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन ये मेरिन ड्राइव है, बहुत फेमस जगह है मुंबई में। आप लोग वैसे, हम तो बहुत आते हैं इसीलिए अभी नहीं रुके हैं, लेकिन किसी और ब्लॉग में मैं रात को आऊंगी और आपको दिखाऊंगी क्वीन नेकलेस। अभी मुझे जाना है इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन आप मुंबई आए, आप गेटवे देखने आए तो ज़रूर मरीन ड्राइव में रुकिएगा और ये नज़ारा देख के ही वापस जाइएगा। और ये रहा अपना सनसेट। हम हजेली के सामने से जा रहे हैं, कैसा बना दिया है देखिए। पहले इस रोड से जाते थे तो लेफ्ट साइड में हमेशा हाजी अली दिखता था, अभी ये ब्लू वाला क्या है, समुंदर को तोड़ तार के क्यों बनाना है ब्रिज भाई,
क्यों ये सब करना है हम लोगों को, जो जितना चाहिए जितना जरूरी है उससे ज्यादा हमें चाहिए। मतलब इंसान अभी क्या पता नहीं है, सीरियसली। पहले यहाँ से रोड से हजियाली दिखता था और सनसेट इतना अच्छा था यहाँ पे, लेकिन अभी देखो सिर्फ कॉन्क्रीट, समुंदर ही नहीं दिखता है भाई। क्यों चाहिए ब्रिज यहाँ से वर्सोवा तक, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। और जहाँ जहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है मुझे वहाँ वहाँ पे ही प्रॉब्लम है। क्यों पहाड़ तोड़ के हमें, मतलब सोसाइटी को बढ़ाना है हमें, क्यों शॉपिंग मॉल पहाड़ों पे बनानी है, मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता समुंदर के बीच से क्यों ब्रिज बनाना है, पता नहीं। एक ज़रूरी था, ठीक है, हो गया ना, अभी क्या है यहाँ से पूरा वर्सोवा तक। अभी हम लोग आए हैं लियोपोल में, में यहाँ भी गोलियाँ चली थी। वेरी फेमस प्लेस, आप अगर मुंबई आ रहे हैं और गेटवे देखने आ रहे हैं तो प्लीज़ लियोपोल में भी आइए। थोड़ा सा महंगा है लेकिन एक बार तो आप आ ही सकते हैं। यहाँ स्वाति जी बैठी हुई है और ठीक है, ये हूँ मैं और ये है मेरी बेबू।